हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विथ अभिलाषी शर्मा, सत श्री अकाल, वेलकम, थोड़ा एक बार फिर स्वागत है। अज की वीडियो अकाउंटेंसी के रस्ते होर आसान बनाने लिए अज तक लगभग मैं थोड़े नाल 14 वीडियो बना चुके हैं, जिस दे विच कुछ वीडियोज़ इंग्लिश ते पंजाबी मीडियम दोनों दे वास्ते भी ने, इंग्लिश ते हिंदी मीडियम दे वास्ते भी ने। ये ध्यान रखियो उत्थे EH ते EP लिखा हुआ वीडियोज़ दे विच। अज जो टॉपिक असीं डिस्कस करन वाले हैं वो है बेसिकली ओपनिंग जनरल एंट्री फाइनैशियल ईयर। ओपनिंग जनरल एंट्री दे विच जेकर बैलेंस बराबर नहीं आते तो उस हालत की करिए, वेरी इंट्रस्टिंग वीडियो, बहुत तुहाडे लई फ्रूटफुल होएगी, तुहाडे लई बड़ा वधिया रस्ता आसान बनाएगी। लैट्स मूव अहेड विद मी फॉर टूडेज टॉपिक। सब तो पहला इस गल के बारे मैं लगता हूँ मैं बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं कि डेबिट ते क्रेडिट के रूल्स की ने, किस ढंग के नाल असी जनरल एंट्रीज पाने, क्योंकि ओपनिंग जनरल एंट्री तक तुहानू ये गल्लां स्पष्ट हो चुकिया होणगीया। जेकर फिर भी किसी नू किसी चीज़ के बारे डाउट है, मैं हाँ तुहाडे नाल मेरे इस चैनल के उत्ते वीडियो A5, A7, A9 डिफरेंट वीडियोज़ ने जिहड़ियां स्पेशली A1 तो लेके A14 तक बन चुकिया ने इस चैनल के उत्ते ने जानकारी, उत्थे तुसी सारे नियम सब कुछ देख सकते हो। सानू सारयां नू पता है एक मॉडर्न टैक्नीक है विच इज आलसो नोन एज इक्वेशन बेस्ड सिस्टम। ये विच पांच टाइप के अकाउंट ने, एसेट्स, एक्सपेंसिज, लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवन्यू। ये डेबिट ते क्रेडिट किसी अकाउंट नू कदों करीदा वो डिटेल दे विच एक्सप्लेन किया हुआ इन्हां वीडियोज़ दे विच जिन्हां दी मैं गल की है। तो दूसरा है रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो ट्रेडिशनल मैथड है। तीन टाइप के अकाउंट, परसनल, रियल एंड नॉमिनल। आई थिंक ये भी तुहानू क्लीयर होणगे, जेकर नहीं तो बैक दे उत्ते जाओ वीडियो नंबर A7 ते 8 देखो, उत्थे डेबिट ते क्रेडिट दे कंप्लीट रूल दसे हुए ने। तो आओ अज गल कर रहे हैं जिस दिशा दे विच जाणे हैं आपां ने, उस दिशा दे वल कुछ इंपॉर्टेंट गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करना चाहुंदा मैं। सब तो पहला स्टूडेंट्स गल करिए फाइनैशियल ईयर दी, वित्तीय साल एक ही हुंदा है। कॉमर्स दे स्टूडेंट्स के लिए जानना बड़ा जरूरी है। द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज कॉल्ड द फाइनैशियल ईयर और अ फिजिकल ईयर। मतलब जिस साल दी वो सारा समा जा, वो सारा साल जिस दी असी इनकम अकाउंट करते हैं कि इस साल के दौरान बिजनेस नू ए वाली इन्नी इनकम होई, वो सारा का सारा जिहड़ा पीरियड है उन्हूं असी फाइनैशियल ईयर या फिजिकल ईयर का नाम देने हैं। इन इंडिया पीरियड फ्रॉम 1st April ऑफ एनी ईयर अप टू द 31st March ऑफ नैक्सट ईयर इज नॉन एज फाइनैशियल ईयर। ये ध्यान रखियो, साढ़े देश के दे 1 April तो लेके अगले साल 31 March तक, ठीक उस तरह जिवें तुहाडा पढ़ाई का सैशन हुंदा है, बिल्कुल यस, तो उस ढंग के नाल जिहड़ा ये वाला पीरियड है इहनूं असीं फाइनैशियल ईयर मानदे हां। इस पीरियड के दौरान बिजनेस दीआं जो ट्रांजैक्शन ने उहदे हिसाब के नाल बिजनेस की इनकम्स नूं काउंट किया जाता है। बिजनेस दीआं एसेट्स, लाइबिलिटीज़ की की वैल्यू है वह सारा कुछ पता किया जाता है फाइनैशियल ईयर के एंड दे विच। बट वन थिंग शुड बी क्लीयर टू ऑल ऑफ यू, दिस पीरियड वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर एक देश के विच अलग अलग हो सकता है, किसी देश के विच 1st January तो लेकर 31st December भी हो सकता है, जिवें साढ़े 1st April तो लेकर नैक्सट ईयर के 31st March तक जिहड़ा पीरियड है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू तो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो, उन्हूं असीं की मानने आ फाइनैशियल ईयर। क्लीयर? सो कंक्लूसिव की है, अ फाइनैशियल ईयर इज द पीरियड बिटवीन 1st April एंड 31st March द ईयर ऑफ नैक्सट ईयर। ये ध्यान रखियो इतने, इन द ईयर इन विच यू अर्न एन इनकम, जिस दे विच बिजनेस एक इनकम अर्न करता है उन्हूं असीं फाइनैशियल ईयर कहने हैं। क्लीयर हो गया? ये बहुत जरूरी है। नैक्सट वन, बैलेंस शीट। तुम सोच रहे हो गए करानी का जनरल एंट्री से बैलेंस शीट क्यों दसन लग गए, ये दसनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि ओपनिंग जनरल एंट्री ता ही समझ लगेगी उहदे विच टर्म आएगी बैलेंस शीट। अदरवाइज बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये साडा फाइनल अकाउंट्स ने जिहड़े असीं लगभग अगले आने वाले टाइम दे विच करांगे। थोड़ा डिस्टेंस है, थोड़ी दूरी है इन्हां टॉपिक्स तो जिथे असीं अज हाँ। बैलेंस शीट की है? इज़ अ फाइनैशियल स्टेटमेंट दैट शोज अ कंपनीज और फर्म्स और बिजनेस एसेट्स, लाइबिलिटीज ऑफ एनी फाइनैशियल ईयर। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिहड़ी कि किसी भी बिजनेस कंसर्न दियाँ एसेट्स ते लाइबिलिटीज का बैलेंस शो करती है एट द एंड ऑफ फाइनैशियल ईयर। ये ध्यान रखियो, साल के वित्तीय साल के अंत के बिजनेस दियाँ एसेट्स किनिया सी, लाइबिलिटीज़ किनिया सी, उहदा बैलेंस किन्ना बनता है, उहनू शो करन वाली जिहड़ी स्टेटमेंट है उहनू उस फाइनैशियल स्टेटमेंट नूं असीं बैलेंस शीट कहने हैं।
आओ अगे वधदे हां हुण। जस्ट लाइक दिस, सी दिस वन, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। बैलेंस शीट का परफॉर्मा यह हों, हजे तो ज़्यादा ये बारे सोचने की जरूरत नहीं, बट फिर भी क्योंकि सूँ जरूरत पैनी है ओपनिंग एंट्री समझने लिए, मैं परफॉर्मा दिखा रहा। ये जी लैफ्ट साइड है ये साड़ी लाइबिलिटी साइड होंगी है, राइट साइड एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड के सारी द सारी लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं, जिस तरह इसी एग्जाम्पल देखो कैपिटल है, क्रेडिटर है, लोन है, इस तो इलावा बिल्स पेबल हो सकते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यूज हो सकते हैं, वह सारे के सारे लाइबिलिटीज़ होंगे ने। एसेट साइड से सारिया एसेट्स, कैश, बैंक, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग, सब कुछ आउटस्टैंडिंग, कुछ साड़िया कुछ अकड़ इनकम हो सकती ने, बहुत सारिया फॉरेस्ट्स। एक एग्जाम्पल है बैलेंस शीट के भी, सूँ पता है असी डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार चलते हैं, तुम देखोगे जो आने वाले टाइम जो बैलेंस शीट देखा तो यदि एसेट्स से लाइबिलिटी साइड का दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए है। बिकॉज सानू सारा क्लीयर है इस चीज़ के बारे, आई थिंक, क्योंकि असी शुरू तो ही जनरल एंट्री को लेकर बैलेंस शीट तक पहुँचते पहुँचते जिन्ना अमाउंट डेबिट करते उन्ना हर बार क्रेडिट भी करते हैं। यस, एक होर ध्यान रखियो, बैलेंस शीट के उत्ते बेस्ड एक इक्वेशन भी बनती है, क्योंकि सानू पता है मैं हुनी तुहानू परफॉर्मा दिखाया सी, एसेट्स का बैलेंस लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की एग्रीगेट के बराबर होता है। लाइबिलिटीज से कैपिटल नू ऐड कर दो, जिन्ना उन्हों का टोटल आया एसेट्स से बराबर हो गया। इहदा मतलब जे सानू ये तिना दे विचों कोई दो पता ने, एक नहीं पता, दैन वी कैन कैलकुलेट विद दिस इक्वेशन। जे असी लाइबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एसेट्स माइनस कैपिटल, जे असी कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो लाइबिलिटी नैचुरली ये वाली एसेट्स तो इधर जाके की हो जाएगी माइनस हो जाएगी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। दीज आर द इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ये भी ध्यान रखियो। नेक्स्ट वन, आओ आज के टॉपिक का जो बेसिक है ओपनिंग जनरल एंट्री की है। इट इज अ सच जनरल एंट्री बाय विच बैलेंसेज ऑफ डिफरेंट एसेट्स लाइबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट ब्रॉट फॉरवर्ड इन द बुक्स ऑफ करंट ईयर। बड़ी लंबी डेफिनेशन ही बन गई, नहीं आराम नाल समझदे नूं ब्रेकअप करके। एक अजिही जनरल एंट्री जिदे विच पिछले साल दियां साल के एंड दियां जिन्हों फाइनैशियल ईयर पिछला फाइनैशियल ईयर दियां बैलेंस शीट्स के विचों एसेट्स लाइबिलिटी दे एसेट्स लाइबिलिटी अते कैपिटल दे बैलेंसिज नूं करंट ईयर मतलब वर्तमान साल दी बुक्स दे विच स्टार्टिंग दे विच वेरी फर्स्ट डे नूं ब्राउट फॉरवर्ड अगे लिया जाता है। इहदा मतलब ध्यान नाल समझो, ये हजे तक असी जिहड़ियां जनरल एंट्रीज करते हैं उस होंदा है कि रीटा स्टार्टड बिजनेस विद 5 लाख, सानू यह होंगे कि कैपिटल लेके आया असी कैपिटल नाल बिजनेस शुरू कर लिया, जां गुड्स लेके आया कोई जिन्हें बिजनेस शुरू करना सी। बट एक गल ध्यान रखियो, हर साल तो नहीं ना बिजनेस शुरू होने वाला, ध्यान नाल जिहड़ी मैं गल कर रहा इहदा मतलब जिहड़ा बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टड है पहले ही चल रहा है उस हालत दे विच एक साल खत्म हो गया, उस साल की जिहड़ी एसेट्स ते लाइबिलिटीज ने वो तो बैलेंस बिजनेस दे विच स्टिल एग्जिस्टड ने हजे भी ने, तो उन्होंने नैक्सट ईयर के भी असी फॉरवर्ड करांगे अगे लेके आवांगे। सो ओपनिंग जनरल एंट्री इज पास्ट ओनली वैन बिजनेस इज ऑलरेडी एग्जिस्टड। जेकर बिजनेस पहले ही चलिया आ रहा उसका दूसरा साल तीसरा साल, तो लास्ट ईयर दियाँ पिछले साल के फाइनैशियल ईयर दियाँ एसेट्स लाइबिलिटी के कैपिटल के बैलेंस में ब्रॉट फॉरवर्ड किया जाता है, तो एक एंट्री पास की जाती है उस एंट्री असी ओपनिंग जनरल एंट्री कहने, दैट इज एन ओपनिंग जनरल एंट्री। ये ध्यान रखियो, एक यदा नियम की है, इन एन ओपनिंग जनरल एंट्री ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आर क्रेडिटेड। ये ध्यान रखियो, सारिया एसेट्स की होंगे ने डेबिट, तो सारिया लाइबिलिटी कैपिटल की होंगे ने क्रेडिट। तो फिर जनरल एंट्रीज की बन जाएगी, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल कैपिटल अकाउंट टू ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट। एक गल ध्यान रखो, मैं ऑल एसेट्स से ऑल लाइबिलिटीज पाया, यदा मतलब ये नहीं कि असी इस ढंग के एंट्री पावे, जिन्हिया भी एसेट्स ने उन्होंने डिफरेंटली शो करांगे, कैश, बैंक, मशीनरी, सारे दे अकाउंट डेबिट, समझ लगे। तो ही मैं इतने शो किए, ध्यान देखो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन इंडिविजुअली, उन्होंने अलग अलग कली कली दिखाना है। लाइबिलिटीज भी इसी तरह क्रेडिटर्स अलग शो करांगे, लोन अलग शो करांगे, बिल्स पेबल अलग शो करांगे, सारिया लाइबिलिटीज ने, सारिया एसेट्स के अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज के अकाउंट क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट भी की होंगे क्रेडिट। बीइंग बैलेंसिज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉड फॉरवर्ड, ये नरेशन है, असी अपना
डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि एंट्री क्यों है, क्योंकि पिछले साल दियां एसेट्स ते लायबिलिटी दे बैलेंस असी ब्रॉड फॉरवर्ड कीते ने, अगे लेके आए हैं। क्लियर है? यह है ओपनिंग जर्नल एंट्री। आओ इनू एग्जाम्पल्स के नाल एक गल ध्यान रखियो, जिहड़ा मैं इत्थे आ कंक्लूसिव एक स्टेटमेंट लिखी है। सो बैलेंसेस फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ एनी बिजनेस फ्रॉम लास्ट ईयर बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नैक्सट ईयर। हाँ यस, क्योंकि पिछले साल दी जिहड़ियां एसेट्स ते लायबिलिटी, जिहड़ा लास्ट मान लो जिस फाइनेंशियल ईयर च असीं गल कर रहे हैं उस तो पिछला साल, उस टाइम जिहड़ियां एसेट्स ते लायबिलिटीज़ का बैलेंस सी उह साल दे एंड च क्लोजिंग बैलेंस सी। जदों असीं ओपनिंग जर्नल एंट्री पाउंदे हां तां उह नैक्सट ईयर दे विच करंट ईयर दे विच सेम बैलेंसिस ओपनिंग बैलेंसिस बन जांदे ने। इस करके इन्हां ओपनिंग बैलेंसिस नूं शो करन दे लई जिहड़ी एंट्री पाई जांदी है, दैट वन इज़ द यस ओपनिंग जर्नल एंट्री। एग्जाम्पल नाल क्लीयर करते हैं। लेट ऑन 1 अप्रैल 2020 द फॉलोइंग आर द बैलेंसिस रिकॉर्ड ओपनिंग जर्नल एंट्री। ये बैलेंस ने कैश, बैंक, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग, मेरे ख्याल पहचान गए होंगे, ये सारी दी सारियां की हो गई एसेट्स। कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन ड्यू, ये सारियां की हो गई लाइबिलिटीज। तो सिंपल फॉर्मूला हूँ ही मैं तुम्हें दस के हटे हैं, सारिया एसेट्स से अकाउंट डेबिट, ये साड़ा क्वेश्चन है। हूँ असी सिर्फ इस तरह की एक जर्नल एंट्री पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो जिन्ना जिन्ना अमाउंट है उन्ना डेबिट कॉलम के अमाउंट आएगा। उस तो बाद जिन्या भी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ ने वो सारिया की होनगियां क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू लोन अकाउंट, इन्हों सारे का अमाउंट। तो जो असी टोटल किया इधर टोटल भी 22 लाख आ रहा है, इधर का टोटल भी उस तरह 22 लाख। डेबिट तो क्रेडिट का टोटल नैचुरली बराबर आने ही आना है, बीइंग बैलेंसिस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, दैट इज़ द ओपनिंग जनरल एंट्री विद ओपनिंग बैलेंसिस। पिछले साल के बैलेंस ही उन्होंने अगे लिया तो असी ओपनिंग जनरल एंट्री पा ली। समझ लगे सारे नूं? बड़ा आराम नाल सोचो इस नूं, कुछ होर क्लीयर भी करते हैं। सिर्फ इस नहीं, इस तो इलावा भी कंडीशन हो सकती ने। आओ देख, एक सेम उही है, बैलेंस अगे आए, नैक्सट ईयर का ओपनिंग जनरल एंट्री पानी है, कैश, बैंक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये पांच दे पांच एसेट्स ने। सानू पता है क्रेडिटर्स ते लोन ये दोनों की ने लाइबिलिटी, असी जनरल एंट्री पाई क्योंकि सानू पता है सारिया एसेट्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सारे दे अमाउंट पाए डेबिट कॉलम च। ओके, ते लाइबिलिटीज़ की ने, टू क्रेडिटर्स, टू लोन, ये लाइबिलिटीज़ ने 7 लाख एंड 3 लाख। जे असी हुण देखिए, क्योंकि मैं दस्या सी पिछले क्वेश्चन कि टोटल लाइबिलिटी ते एसेट्स का बराबर आंदा है, सेम इत्थे भी होना चाहिए। डेबिट टोटल जो असी इन्ना ट्रांजैक्शन का किया 22 लाख आ गया, क्रेडिट टोटल जो करके देखा 10 लाख आ गया, ये इक्वल होना चाहिए। जेकर नहीं हैगा तो असी उसका बैलेंस कैलकुलेट करके देखा, बैलेंस जिन्ना भी होंगे, जेकर ध्यान रखियो एसेट्स ज़्यादा ने, इफ एसेट्स आर मोर दैन लाइबिलिटीज then the balance is known as capital। ध्यान रखियो जे assets का total liabilities तो ज़्यादा है, जिन्ना भी difference है उन्होंने capital मानते हैं। तो एक गल देखो, मैं इतने जानबूझ के खाली छड़िया, एग्जाम के भी जो तुम कर दो एक लाइन छड़ लेनी चाहिए, इतने या इतने दोनों जगह पर एक लाइन छड़ लेनी चाहिए, या तुम पहला रफली कैलकुलेट करो फिर लाइन छड़न की भी जरूरत नहीं, पहले ही पता होगा कैपीटल आने वाला है या कुछ होर पोजिशन है। हाँ जी, बैलेंस एज पर कैपीटल, बैलेंस एज कैपीटल कि 12 लाख, तो असं इतने की करा, टू कैपीटल अकाउंट लिख के इतने 12 लाख कैपीटल आ जाएगी, तो दोनों साइड का बैलेंस आपस मिल जाएगा। किस तरह? जिमें देखो, सारे एसेट्स की असं की करते डेबिट, सारिया लाइबिलिटीज़ क्रैडिट, तो इतने उही जी मैं ब्लैंक स्पेस छड़ा उ की लिख देंगे, टू कैपीटल अकाउंट 12 लाख, बैलेंसिंग फिगर है नाल शो कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल सानू दिती नहीं, बैलेंसिंग फिगर इनू असी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं इस तरह वर्किंग नोट बना के, बीइंग बैलेंसिस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एंड बैलेंस ट्रीटेड एज कैपिटल, जोड़ा बैलेंस है उन्होंने असी कैपिटल बनया। क्लीयर हो गया ना ये? नैक्सट एक होर एग्जाम्पल, एक होर कंडीशन भी देखते हैं। आओ देखिए, ओपनिंग एंट्री पानी है, सेम कंडीशन ने, कैश है, बैंक है, डेटर्स है, मशीनरी है, अमाउंट तुसी पढ़ सकते हो, अमाउंट का क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। इस बार चार दिया चार एसेट्स ने, कैपिटल, क्रेडिटर, लोन ड्यू, ये साड़ी लाइबिलिटी है। रूल्स के अकॉर्डिंगली सारी एसेट्स नूं असी की करता डेबिट, तो सारिया लाइबिलिटीज़ नूं की करता असी क्रेडिट। हूँ देखो भी प्रॉब्लम की है, यदा टोटल किया एसेट्स का टोटल आया 1,40,000,
ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਇਆ 2,20,000। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਸੈਟਸ, ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਆਰ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਯੈਸ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਨਐਵਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼, ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਗੁੱਡਵਿਲ। हाँ, तो उसी गुडविल मानते हैं, टोटल एसेट्स इन टोटल लाइबिलिटीज इन डिफरेंस एज गुडविल कि होगा 80,000। तो असं इतने शो करा हूँ टू की शो कर दा, सॉरी इतने गुडविल अकाउंट की कर देंगे, डेबिट जिन्ना भी अमाउंट है वो इतने शो कर देंगे, तो जर्नल एंट्रीज नीचे टोटल अपने आप देखियो बराबर हो जाएगा जो असं 80,000 की गुडविल शो करा। किस जस्ट इनू देखो सारे अकाउंट डेबिट, गुडविल में मैं रेड नाल शो किया, नहीं भी करना, ये सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए है, नाल ही बैलेंसिंग फिगर क्योंकि गुडविल दी नहीं गई। गुडविल होंगी बिजनेस की प्रसिद्धि, फेम आती, पोजिशन मार्केट के स्टेटस, वो वैल्यूएशन होंगी बिजनेस के अगे बढ़ के असं होर डिटेल जावे। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर आ गई 80,000, बाकी ये सारिया लाइबिलिटीज़ आ गई, दोनों साइड का टोटल मिल गया। आई थिंक द कॉन्सैप्ट इज क्लीयर। होर कंकलूसिव एंट्रीज देखते हैं प्रैक्टिस के वास्ते, कैश बैंक फर्नीचर बिल्स पेबल क्रेडिटर डैटर्स ये दिते हुए हैं। ये देखो कैश बैंक फर्नीचर ते डैटर्स ये सारिया एसेट्स ने, सारे एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज की ने बिल्स पेबल ते क्रेडिटर्स, ये दोनों क्रेडिट। जो असी टोटल करके देखिए एसेट्स का टोटल 1,60,000 है चारों का, तो लाइबिलिटीज़ का टोटल है 95,000, डिफरेंस कि 65, बिकॉज एसेट्स आर मोर दैन लाइबिलिटीज़, यदा मतलब साफ हो गया जिहड़ियां डिफरेंस है वो की मनी जाएगी कैपिटल। तो इतने क्रैडिट असं की कर देंगे कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर नाल लिखांगे ताकि पता लग जाए दिता नहीं गया सी, असी कैलकुलेट किया तो नरेशन सेम ढंग दे नाल क्लीयर हो गया। एक होर कंक्लूसिव एंट्री देखिए, कैश बैंक फर्नीचर डैटर्स, ये चार दी चार साढ़े कोल की ने, ध्यान नाल क्वेश्चन देखो, एसेट्स ने अमाउंट तुसी चेक कर सकते हो 70-20 जो भी है, उस तो बाद बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स कैपिटल ये सारिया लाइबिलिटी साइड दियां ने, क्लीयर। सारिया एसेट्स डेबिट, सारिया लाइबिलिटीज क्रेडिट। जे तुसी देखो चारों एसेट्स नूं असी डेबिट करता, तीन दी तीन लाइबिलिटीज, जिहदे विच दो लाइबिलिटीज एक कैपिटल, तिन्नां नूं की करता असी क्रेडिट करता। हुण देखिए असी टोटल एसेट्स दा टोटल जदों असी कीता इह चारां दा 1,50,000 आ गया, लाइबिलिटीज दा टोटल आ रहा 1,60,000। ओ फिर अगेन देखो लाइबिलिटीज दा टोटल है जिहड़ा ओह मोर दैन की हो गया एसेट्स, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਤਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀ ਐਫ ਮੀਨਸ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਡਿਟੇਲਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1,60,000, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੈਸ਼ ਬੈਂਕ ਫਰਨੀਚਰ ਡੈਟਰ ਚਾਰੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, इधर बिल्स पेबल क्रेडिटर कैपिटल दिते हुए, जो जर्नल एंट्री पाई सारिया एसेट्स सारिया लाइबिलिटीज एसेट्स डेबिट लाइबिलिटीज क्रेडिट, तुसी इन्हां दा टोटल करके देखो दोनों का सेम आ रहा है, तो इहदा मतलब ना इत्थे कोई एक्सट्रा कैपिटल जां एडिशनल होने वाली, ना ही गुडविल, दैट इज सिंपल ओपनिंग जर्नल एंट्री। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स द कॉन्सैप्ट इज क्वाइट क्लीयर, इफ यू हैव एनी कंसर्न प्लीज आई एम आस्किंग क्लीयरली टेलिंग यू, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम गो बिहाइंड दैट पार्ट। यस स्टूडेंट, आई थिंक द कॉन्टेंट इज क्वाइट क्लीयर, सब कुछ समझ आ गया होएगा, जेकर नहीं समझ आया थोड़ा पीछे जाओ, कॉन्टेंट नूं दोबारा देखो, कुछ सिंपल जे टॉपिक बड़े सिंपल वे दे विच बट टेक्निकल ने, उन्हां नूं तुहानूं अज दी वीडियो विच डिस्कस कीता, चाहे असी फाइनेंशियल ईयर की गल की, बैलेंस शीट के बैलेंसिस ब्रॉड फॉरवर्ड करना, ओपनिंग जनरल एंट्री के रूप के बारे गल की, इस तो इलावा ओपनिंग जनरल एंट्री जो बैलेंसिस का बैलेंस करते हैं गुडविल ते कैपिटल दे रिगार्डिंग डिटेल दे विच गल की है विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। आई थिंक द होल कॉन्टेंट इज क्वाइट क्लीयर, सब कुछ साफ स्पष्ट हो गया होगा, जेकर कुछ क्लीयर नहीं वीडियो के उस हिस्से जाओ उन्हें चेक करो दोबारा देखो, फिर भी जो क्लीयर नहीं तो कमेंट बॉक्स जाके नीचे कमेंट लिखो, मैं उत्थे आंसर देने की कोशिश करूँगा। बड़ी जल्द एक नवी वीडियो के नाल तुहाडे नाल इसी चैनल के उत्ते आने वाला है, तद तक इंतजार करो, थैंक यू वेरी मच।